गाइस कई बार जो गाड़ी के फंक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हमें ठीक से ये पता नहीं होता है कि इस चीज़ को ऑपरेट करने करते समय, मतलब किसी भी गाड़ी में लगे किसी भी इक्विपमेंट या जो एसेसरीज होती है उसको ऑपरेट करते समय कई बार जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, और उसकी वजह से जो उसके साथ सीरीज में लगा हुआ जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है, और फ्यूज़ उड़ने के कारण से वो सारी वो जो फंक्शन है जैसे कि स्टीरियो प्लेयर का ना बजना, आपके हीटर का काम नहीं करना, जो चार्जर है उसका काम नहीं करना, आगे की हेडलाइट, हैजार्ड लैंप, जो टेन लाइट होती है, इन सब चीज़ों का काम नहीं करना, इवन जो यहाँ पर जो वाइपर लगा होता है उसका ठीक से काम नहीं करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सब फ्यूज़ के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका फ्यूज़ सही है गाड़ी में तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करती रहेंगी। कई बार और जो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी अगर हेडलाइट, एक हेडलाइट डिम जल रही है और एक तेज जल रही है, तो यहाँ पर भी बल्ब खराब नहीं है, वायरिंग खराब नहीं है, यहाँ पर सिंपल फ्यूज़ खराब है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। और ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो, और इसमें जो फ्यूज़ बॉक्स हैं ये दो होते हैं। तो सबसे पहला जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, ये है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग के नीचे आप जाएंगे तो ये बोनट खोलने वाला स्विच है, और इसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको ये जो ग्रीन कलर का जो एक बॉक्स दिख रहा है ये इसका फ्यूज़ होता है। तो इसको खोलना बहुत ही आसान है, यहाँ से इसको दबाना होगा, पीछे की तरफ से इसको दबाइएगा हल्का सा और इसको खींच लीजिएगा, और जब आप इसको खींचेंगे तो ये जो फ्यूज़ेस हैं ये सारे फ्यूज़ आपको दिख जाएंगे। अब आइए इनको देख लेते हैं कि ये जो बोनट के नीचे वाला जो फ्यूज़ बॉक्स होता है ये किन किन चीज़ों को फंक्शन को रोक सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 एम्पियर के लगे हुए हैं। सबसे पहला इसमें आप देख सकते हैं, अगर मेरी उंगली की तरफ से शुरू करें तो एयरबैग इसमें नहीं है, आईजी मीटर वो भी इसमें नहीं है, और टर्न बैक। तो ये जो तीसरे नंबर का जो फ्यूज़ है वो अगर रिवर्स लाइट आपकी नहीं जल रही है, अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं और वो नहीं जल रही है, तो आपको ये वाला जो फ्यूज़ है ये वाला ये आपको चेक करना चाहिए। और 15 एम्पियर वाइपर का जो वाइपर वाइशर, मतलब अगर आपके कार में जो पानी की मोटर है, मतलब जिसे आप वाइपर चलाते हैं, अगर वो नहीं चल रहा तो आपको ये वाला फ्यूज़ चेक करना चाहिए किसी भी मैकेनिक के पास जाने से पहले। अब उसके बाद में 30 एम्पियर का अगर हम स्विच देखें, पावर विंडो, पावर विंडो इस गाड़ी में है ही नहीं, अगर आपकी गाड़ी में पावर विंडो है तो आप ये वाला फ्यूज़ बेशक चेक करें। फ्यूज़ पुलर, अब यहाँ पर फ्यूज़ पुलर लगा होता है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, जाने दीजिए। तीसरी रो में आते हैं तो जो 30 एम्पियर का पीएस है ये भी इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर लेफ्ट साइड से बात करें। दूसरा जो हॉर्न और हैजार्ड लैंप, अगर आपके हैजार्ड लैंप वाला जो स्विच है या फिर हॉर्न नहीं बज रहा है तो आप बेशक इस वाले फ्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। रेडियो और डोम लाइट, अगर आपके गाड़ी में डोम लाइट, मतलब जो ऊपर वाली लाइट है वो नहीं जल रही है और स्टीरियो सिस्टम नहीं चल रहा है तो आप इस वाले फ्यूज़ को चेक करें सबसे पहले। टेन लाइट नहीं जल रही है तो तीसरे नंबर वाले जो दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले फ्यूज़ को चेक करें। और अगर स्टॉप लैंप, मतलब जो ब्रेक लाइट है वो नहीं जल रही है तो आपको इस वाले फ्यूज़ को चेक करना चाहिए। और डोर लॉक इसमें नहीं है, रिमोट अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉग लैंप भी नहीं है और रियर फॉग लैंप भी नहीं है, जब आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं होंगे। और रियर डिफॉगर, मतलब जो रियर रेन वाइपर होता है वो भी इसमें नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला हीटर, हीटर इस कार में है तो अगर कभी हीटर ना जले तो आप अपनी कार में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये तो रही गाइस जो डैशबोर्ड के नीचे फ्यूज़ लगा होता है उसकी। अब आइए जो बोनट के नीचे होता है उसको चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लगा देते हैं और इसको खींच लेते हैं। यहाँ से बोनट खोल दिया हमने, अब इसको वापस लगा देते हैं। इसको लगाने का तरीका भी वैसे ही है जैसे इसको निकाला था हमने। इसमें दो लॉक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा,
आप ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला जो है बाहर की तरफ लगता है और बड़ा वाला अंदर की तरफ। तो पहले बड़े वाले को लगा दीजिए और फिर बाद में छोटे वाले को। तो एक बार दबा के कंफर्म कर लीजिएगा कि लग चुका है नहीं। तो गाइस डैशबोर्ड जो बोनट है उसके नीचे वाला जो फ्यूज बॉक्स है वो ये है, बैटरी के जस्ट पास में होता है। ये अपनी CTI या ST कॉइल है और इसको खोलना भी बड़ा आसान है। यहाँ से आप इसको दबाएं, ये लॉक होता है, इस लॉक को दबाएंगे खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको पैरेलली रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा जो रिले है वो किस काम में आता है। जैसे ये रिले है और ये भी रिले है, ये भी रिले है, ये चार इसमें रिले लगे होते हैं। इनमें से जो पहला रिले होता है ये इग्निशन के लिए होता है, इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा रिले जो होता है वो जो गाड़ी के जो फंक्शन है उसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। शुरुआत करते हैं इंजन कंपार्टमेंट के जो रिले हैं उनके बाद। जो सबसे बड़ा फ्यूज़ है वो है 80 एम्पियर का। ये गाड़ी का मेन फ्यूज़ होता है, मतलब ओवरऑल लोड जो है वो 80 एम्पियर से अगर ज़्यादा होता है तो ये वाला फ्यूज़ उड़ता है। उसके अलावा ये यूजुअली ये वाला जो फ्यूज़ है उड़ता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 60-60 एम्पियर के जो दो स्विच लगे, दो 60-60 एम्पियर के जो दो फ्यूज़ हैं उनके बारे में। एक इग्निशन फ्यूज़ होता है जो कि इग्निशन चालू होने के टाइम पे काम करता है, और एक होता है जो इग्निशन के अलावा काम करता है। तो इस तरीके से दो फ्यूज़ लगे हुए होते हैं। नीचे की अगर लाइन की बात करें तो इसमें 15-15 एम्पियर के दो फ्यूजेस लगे हुए हैं। इनमें से जो दो 15-15 एम्पियर के हैं वो हेडलाइट के हैं, लेफ्ट और राइट के। उसके अलावा जो 30-30 एम्पियर के जो दो फ्यूजेस लगे हुए हैं वो हैं रेडिएटर फैन मोटर जो होती है उसका, और उसके बाद में एक और 15 एम्पियर का लगा हुआ है उसको, वो जो होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है उसका, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो है एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर लगा होता है उसके फंक्शन का स्विच फ्यूज होता है। भाई इसको वापस लगा देते हैं। तो उम्मीद है गाइस के फ्यूज बॉक्स और उसके जो फंक्शन का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।